हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटमिक स्ट्रक्चर के बारे में इस चैप्टर में बातें होंगी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जो कि शायद सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी हम थोड़ा बहुत सीखेंगे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल, देन आफ्टर नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, देन आफ्टर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर, उसके बाद से स्पेक्ट्रम, उसके बाद से डी ब्रोई वेवलेंथ, उसके बाद से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बाद से क्या पढ़ने वाले हैं हम, उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में जाकर के ऑर्बिटल्स के बारे में, विच इज एस पी डी एंड एफ। ठीक है, तो इन सबको पढ़ने के लिए आप हो जाइए रेडी। तो लेक्चर है नया और मैं हूं वही पुराना। स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम विच यू हैव स्टडीड। मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्लास 9th में इसके बारे में कुछ कुछ पढ़ लिया हो। ठीक है, अब भाई अंधेरा थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा कम दिखाई दे, रात हो गई, लाइट नहीं है, इन्वर्टर से काम चला रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम स्टार्ट करेंगे हम कि एटम क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड एन एटम, किसको आप बोलते हैं? तो बेटा एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। विच मे नॉट पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन, देखें क्या लिखा हुआ है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अच्छा बताओ कि एटम केमिकल रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करेगा, सिंपल क्वेश्चन। व्हाई एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सो द सिंपल थिंग इज एन एटम पार्टिसिपेट्स टू बिकम स्टेबल। कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है भाई? कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ताकि वो स्टेबल हो सके। अब मैं आपको बताऊं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनस्टेबल रहना चाहती हो, सब कुछ स्टेबल होना चाहता है। इवन माई सेल्फ ऑल्सो, इवन यू आर ऑल्सो, लाइक यू आर स्टडिंग इन क्लास 11th, आप 11th में पढ़ रहे हो, है ना, 10th से आए, नए नए नया नया बड़ा बड़ा सिलेबस, है ना, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा। डरो मत, सब कंप्लीट हो जाएगा यार। देखो नथिंग इज स्टेबल, हाँ मतलब कुछ भी स्थिर नहीं रहता यहाँ, मतलब इस नेचर में ना कुछ भी स्टेबल नहीं है, और रेंडमनेस बरकरार है, रेंडमनेस बरकरार। तो बेटा अगर आपके पास एक फील्ड है, खेत है, उसमें अगर आपने कुछ नहीं बोया, आपने कोई अनाज वनाज अगर उसमें नहीं बोया, धान गेहूं जो भी, तो फिर क्या होता है, नेचर अपने आप उसमें घास फूस उगा देती है, इजंट इट।
ना। तो उसी तरह अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं लाओगे तो अपने आप नेगेटिव थॉट्स जन्म ले लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आपको पॉजिटिव रहना है, डोंट गो फॉर टाइम कि टाइम कितना कम बचा है, ये करना है, इतना करना है, डोंट गो फॉर इट। नहीं समझे, टाइम के पीछे मत भागो कि कम टाइम बचा हुआ है, ज्यादा सिलेबस है। विल कंप्लीट ईच एंड एवरी इवन अ सिंगल टॉपिक, सब कुछ कंप्लीट होगा। डोंट बी स्ट्रेस्ड, परेशान ना होइए, सब कुछ कंप्लीट होगा। बट पॉजिटिविटी बनाए रखिए, वीडियोस देखते रहा करिए यार। वीडियो नहीं देखते यार तुम लोग, अता पता नहीं रहता तुम लोगों का, पता नहीं कहाँ रहते हो, क्या करते हो। कब तक ऐसा चलेगा भाई, 10th पास आउट हो गए, कम परसेंट या ज्यादा परसेंट पास तो हो ही गए, अब तो पढ़ना 11th है। और 11th इज नॉट लाइक 10th, 10th की तरह नहीं है। एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग टू यू दैट 11th क्लास इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन क्लास 12th, 12th से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है 11th क्लास। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू स्टडी इन डिटेल द एवरी सिंगल टॉपिक ऑफ क्लास 11th, वेदर इट इज फ्रॉम केमिस्ट्री और फ्रॉम फिजिक्स और फ्रॉम मैथमेटिक्स और फ्रॉम बायोलॉजी और वट एवर स्ट्रीम यू हैव गॉट इट। एवरी सिंगल सब्जेक्ट एंड एवरी सिंगल टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। एज मैंने भी IIT का एग्जाम दिया था अपने टाइम पर, AIEEE का एग्जाम दिया था अपने टाइम पर। सो जहां तक मुझे लगता है द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 11 आर मच मोर देन द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 12। सो इट इज नेसेसरी कि आप 11th पर फोकस करें, समझ गए। तो मैं बता रहा था कि स्टेबिलिटी क्या है। तो बच्चों स्टेबिलिटी इन द सेंस, जैसे मैं भी स्टेबल होना चाहता हूँ ना, लाइक दैट कि आई एम डूइंग अ काइंड ऑफ, यू कैन से आई एम वर्किंग एज अ प्राइवेट टीचर। सो व्हाट इज माय थॉट, व्हाट इज माय एम, व्हाट इज माय गोल, टू बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहता हूँ। लाइक दैट सबका अपना अपना होगा, तो गवर्नमेंट सर्वेंट क्यों बनना चाहता हूँ, ताकि मैं स्टेबल हो सकूँ। एंड एज लाइक दैट एटम ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी स्टेबल, मतलब दुनिया में कोई चीज अनस्टेबल नहीं रहना चाहती, सब कुछ स्टेबल होना चाहता है एवरी थिंग। और अगर आप स्टेबल नहीं होगे ना, तो नेचर आपको स्टेबल करने लगेगा, करने लगेगा, समझे। तो आपको स्टेबल होना पड़ेगा, हर हाल में आपको अनस्टेबल होना पड़ेगा। नेचर की ये भी खूबी है कि रेंडमनेस बढ़ाता है नेचर। जैसे एक रूम है, उस रूम में आप रह रहे हो तो डेली झाड़ू पोछा लगा रहे हो, बढ़िया रूम आपका दिख रहा है कि नहीं, बढ़िया सब कुछ सब जगह पर है, सब ठीक ठाक है। अब वही रूम है, बंद कर दो गेट, ताला वाला लगा दो, 2 महीने बाद आओ तो क्या होगा, धूल धक्कड़ सब इधर उधर बिखरा उखरा पड़ा, मतलब रेंडमनेस बढ़ती है, समझ रहे हो ना। तो स्टेबिलिटी हर एक बॉडी चाहती है कि मैं स्टेबल रहूं, हर एक केस में स्टेबल रहूं। एंड लाइक दैट एटम ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिकम स्टेबल। सो एटम की स्टेबिलिटी के लिए उसके साथ कंडीशन आ जाती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, गेन करता है, शेयर कराता है, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो ये सब कंडीशन है एटम की स्टेबिलिटी का, कि वो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कराए या इलेक्ट्रॉन गेन करे। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन वेदर द एटम इज ऑफ मेटल और नॉन मेटल। अगर वो मेटल का रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होगा, अगर नॉन मेटल का रहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होगा। दो नॉन मेटल्स के बीच में चलेगा तो कोवेलेंट होगा, आई मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी लाएगा। तो ये सब तरीके हैं स्टेबल होने के, बात समझे। तो एटम पार्टिसिपेट क्यों किया, टू बिकम स्टेबल। तो दुनिया में सारी चीजें स्टेबल होना चाहती हैं, ठीक है। और वही एटम जो होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम का जो बेटा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। एंड यू नो व्हाट मॉलिक्यूल इज स्टेबल, मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं मॉलिक्यूल के, देखो ये सब बेसिक चीज है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, O2, N2, F2 and so on, ये सब एग्जाम्पल है। तो ये सब क्या है भाई, ये सब स्टेबल है, ये तीनों के तीनों स्टेबल है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं करेंगे। तो जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल होता है, बट समटाइम्स एटम्स इज नॉट स्टेबल।
लेकिन कुछ के एटम भी स्टेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुम तुमको नियॉन का एटम, आर्गन का एटम, ज़िनॉन का एटम है ना, डॉन का एटम, इन सब के एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये सब कौन है, सब कौन है, नोबल गैसेस है, और नोबल गैसेस के एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं बच्चों। आई बात समझ में, नोबल गैसेस के एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, लाइक दैट नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ज़िनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। इसमें एक और जोड़ लेंगे सर, क्या जोड़ेंगे भाई, हम जोड़ लेंगे क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन ये ठीक है, ये भी स्टेबल है, ये भी नोबल गैस का ही एटम। और इसको कई बार हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं ना, इन पांचों को हम कई बार क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। तो ये इनर्ट गैस जो है, इनर्ट गैस का एटम जो होता है वो होता है स्टेबल, क्या होता है, स्टेबल, और मॉलिक्यूल्स तो स्टेबल होते हैं, समझ गए, एटम क्यों पार्टिसिपेट किया, एटम क्या होता है। ओके तो बेटा एटम के, एटम के तीन सब एटमिक पार्टिकल, एक होता है इलेक्ट्रॉन, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन, सभी लोग जानते हो, यस सर, ये तो हमने सुन सुन के पूरा नाइन्थ क्लास पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। और बताएं आपको, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब यू नो व्हाट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब चार्ज तो है लेकिन इक्वल एंड अपोजिट है, समझे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हमको क्या बताता है कि चार्ज तो है लेकिन इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब किसी भी एलिमेंट का एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब मैंने बता दिया, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड है एटम, सो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं नो चार्ज। ये देखो न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था, आपने, आपने मतलब जे.जे. थॉमसन ने, जे.जे. थॉमसन इन्होंने खोजा था इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, होल्डस्टीन, होल्डस्टीन पूरा नाम लिखोगे, आजम होल्डस्टीन, आजम। और न्यूट्रॉन को मैंने, आई मीन जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, आई बात समझ में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की चैडविक ने। सबसे पहले डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की जो कि थॉमसन ने की थी, उसके बाद से गोल्डस्टीन ने किया प्रोटॉन की डिस्कवरी, उसके बाद से जेम्स चैडविक ने किया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। क्या आप लोग इतनी बातें समझ गए, तो क्या आप लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट इसका, तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले ले, ले सकते हैं, ले लिया, हो गया, आगे बढ़े क्यों भाई, चलो ठीक है सर, आगे बढ़ो सर, क्या सर बोरिंग कर दिया सर आपने, अरे क्या करें आप। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, फिर इसको डिस्कवरी पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। वैसे डिस्कवरी जो है वो सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ना ले जाकर के ऊपर ऊपर समझा दूंगा कि डिस्कवरी कैसे हुई थी, क्योंकि इस बार के सिलेबस से डिस्कवरी को इलिमिनेट कर दिया गया है, फिर भी हम बता देते हैं। ओके देखो, चार्ज और एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चार्ज ऑन एन प्रोटॉन कितना होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चार्ज ऑन एन न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन एन न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू जीरो। ये बच्चों चार्ज है, मास लिख दूं,
मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.31 इनटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, सॉरी 9.1 है. मास ऑफ एन प्रोटॉन ऑफ एन प्रोटॉन दैट इज इक्वल्स टू 1.62 5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी. उसके बाद मास ऑफ एन न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल 1.627 इनटू 10 टू द पावर माइनस 27. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वैल्यूज विच यू नीड टू लर्न फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सब आपको पता रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास. ठीक है, तो बात करें अब डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट सबएटॉमिक पार्टिकल दैट वाज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे. इलेक्ट्रॉन वर्ड इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया, मतलब नेगेटिव होता है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की कहानी चल रही थी उस टाइम पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट मिल करके सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में खोजने की कोशिश कर रहे थे. बहुत सारे साइंटिस्ट है ना, उन्हीं में से एक साइंटिस्ट का नाम था जे.जे. थॉमसन. जैसे बाकी लोग कर रहे थे, ये भी कर रहे थे अपनी खोज, है ना, कुछ कुछ चीजें बदल रहे थे, वोल्टेज कम कर रहे थे, वोल्टेज ज्यादा कर रहे थे, कोई पर्टिकुलर गैस ले रहे थे, उस गैस में से बहुत ज्यादा करंट पास करा रहे थे, कुछ मतलब कुछ कुछ सारे लोग कर रहे थे. उसी दौरान, उसी टाइम पर थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली. कैसे की, क्या सेटअप था, क्या क्या यूज किया और किस तरह इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और किस तरह इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. किसी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ये सब उन्होंने कैसे बताया देखेंगे इस स्लाइड में कि क्या क्या उन्होंने किया. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया. क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया. एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया. तो बेटा ये क्यूब है जो कि डिस्चार्ज है. इस क्यूब की खोज की थीम सर विलियम क्रूक्स ने. विलियम क्रूक्स ने एक ऐसा ट्यूब खोजा था जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं. ठीक है, ट्यूब लिया, किसने लिया, थॉमसन ने लिया. यहां पर रखा एक इलेक्ट्रोड, क्या था ये, इलेक्ट्रोड. यहां पर भी रखा एक इलेक्ट्रोड. दिस इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड को उन्होंने नाम दिया एनोड. इस इलेक्ट्रोड को नाम दिया उन्होंने कैथोड. बेटा प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ लिया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ऐसा आपने पढ़ लिया होगा. ट्यूब था बेटा तो ट्यूब में कुछ गैस होगी, एयर मतलब. तो उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगाया यहां पर और उस वैक्यूम पंप की मदद से सारी एयर को बाहर निकाल दिया. समझ गए, सारी एयर को बाहर निकाल दिया मतलब इसके अंदर क्रिएट करा दिया, क्या वैक्यूम बना दिया इसके अंदर. समझ गए, और ये एनोड था तो ये पॉजिटिव था. अब यहां से उन्होंने क्या किया, व्हाट ही डिड फ्रॉम हियर, उन्होंने एक वायर लिया और उस वायर से क्या किया, उस वायर से एक बैटरी को अटैच किया. किसको अटैच किया, बैटरी को. अरे सर किसको, बैटरी को भैया, बैटरी, ये रही बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल. अब तक सारे लोग जानते होंगे कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है. पॉजिटिव को एनोड की तरफ कनेक्ट किया और नेगेटिव को कैथोड. ठीक है, फिर इसके बाद ये जो वैक्यूम बना रखा था इसमें कोई भी गैस ले ली, रैंडमली कोई भी गैस ले ली, कोई भी गैस ले ली उन्होंने, कहा कि हम कोई भी गैस ले लेंगे. ठीक है, रैंडम कोई भी गैस ले ली. और ये जो बैटरी थी ना इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा रखा, इट वॉज नियर अबाउट 10,000 वोल्ट. और इसके अंदर जो गैस थी ना, ये गैस थी बहुत लो प्रेशर पे, एट वेरी लो प्रेशर. मतलब तुम समझते हो क्या, एट वेरी लो प्रेशर मतलब 760 mmHg से भी कम था. 1 atm होता ना, 1 atm, 1 atm इज इक्वल टू
1 ADM is equivalent to 760 mm of Hg, and 1 ATM is equals to 760 torr, and 1 ATM, and 1 ATM is equals to 10^5 pascal. ये सब भैया प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर की, किसकी यूनिट है, प्रेशर की। एक एटीएम बराबर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो उससे भी कम रखा था, मतलब तुम समझ लो कितना रखा था, 0.06 mm ऑफ Hg। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, कुल मिलाकर तुमको ये जानना है कि प्रेशर कम था, कुल मिलाकर क्या जानना है कि प्रेशर कम था, 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 था। वीडियो पूरा देखना तभी आएगा समझ में, नहीं बाद में मत कहना कि सर पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं हमको समझ नहीं आया। 0.6 mm ऑफ Hg, प्रेशर कम वोल्टेज ज्यादा, ये कंडीशन थी। फिर उन्होंने क्या कर दिया कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को जोड़ दिया। अब जब एनोड और कैथोड पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गए ना बेटा, और उन्होंने जैसे ही मान लो यहां पर मैंने कहा कि मान लो यहां पर स्विच विच लगा हुआ था, कुछ स्विच को कनेक्ट करा दिया, कनेक्ट करा दी, करंट दौड़ना स्टार्ट किया। अब जैसे ही करंट दौड़ना स्टार्ट किया तो बैटरी का पोटेंशियल देख रहे हो कितना ज्यादा है, हाई वोल्टेज की बैटरी, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। जब इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज जो थी इसके अंदर जनरेट होती, मतलब वो दिख नहीं रही थी उनको, समझ रहे हो, रेज इनविजिबल थी, दिख नहीं रही, बस लाइटिंग हो रहा था, ग्लो कर गया पूरा, पूरा ट्यूब ग्लो कर गया, इतना हाई वोल्टेज था ना, पूरा ट्यूब ग्लो कर गया। और ट्यूब ग्लो किया तो उन्होंने सोचा यार कुछ तो हो रहा है, मतलब तुम सोचो एक बात यार, बहुत सिंपल सी बात है कि ये क्या है, गैस है। क्या आपको लगता है कि गैसेज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? डू यू थिंक गैसेज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्या आपको लगता है कि गैसेज गुड कंडक्टर? तो मुझे तो नहीं लगता है कि गैसेज गुड कंडक्टर, मुझे तो नहीं लगता कि गैसेज गुड कंडक्टर है। गैसेज पुअर कंडक्टर होती है ना, और अगर इस सर्किट को तुमको कंप्लीट करना है तो इलेक्ट्रॉन जो यहां से जा रहे हैं, दैट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कम फ्रॉम हियर एंड डिपोजिट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, तो नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पर आकर के घूमकर डिपोजिट होना पड़ेगा। अगर ये इस पॉजिटिव टर्मिनल पर डिपोजिट नहीं हुए तो सर्किट इनकम्प्लीट माना जाएगा, और अगर सर्किट इनकम्प्लीट हुआ तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब तुम मुझे बात सुनो कि रास्ते में तो गैस है, गैस पूरे कंडक्टर, तो यहां से यहां तक कनेक्ट कैसे हुआ? सोचने वाली बात है, यहां से यहां तक कनेक्ट कैसे हुआ? मतलब कहीं ना कहीं गैसेस ने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह वर्क किया, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा और फिर फाइनली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पर डिपोजिट हुआ। अदरवाइज वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पर डिपोजिट नहीं हो पाता और सर्किट इनकम्प्लीट रह जाता। समझ रहे हैं बात को? बोलो 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 बोलो, ठीक है। तो गैसेस ने कहीं ना कहीं वर्क किया गुड कंडक्टर की तरह। इसका सीधा सा मतलब यह था कि इलेक्ट्रिसिटी से दो ही केस में पास हो सकती है। पहला केस कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करें, मतलब मेटालिक कंडक्टर हो, मतलब कोई वायर हो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। दूसरा केस जब आयंस मौजूद हो, सेकेंड केस व्हेन देयर इज आयंस। अगर आयंस होंगे तो भी करंट पास कर सकता है। तो क्या आयंस यहां मौजूद हैं? यार कोई गैस है, तुम इसको इतना ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो तो वो अपने आयंस में नहीं टूटेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन ही छोड़ेगा। मतलब ऐसा उस टाइम तो हम जानते नहीं थे, लेकिन अभी तुम सोच के देखो, क्या वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना, इतना ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो। तुम कह रहे हो कि H2 गैस है, H2 है तुम्हारे पास, तो H2 को तुम तोड़ नहीं सकते H+ H+ में।
टूटेगा ना, ये टूट जाएगा, क्यों टूटेगा, टू इलेक्ट्रॉन निकाल के भाग जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन तो ना, ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को तो भाग जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? बेचैन आत्मा। इलेक्ट्रॉन सबसे, दुनिया में सबसे ज्यादा बेवफा अगर कोई है ना तो वो इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा बदमाश और इससे ज्यादा खतरनाक कुछ भी, क्योंकि इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो कूद के भाग जाता है दूसरे के साथ, बस एनर्जी की जरूरत होनी होती, समझे? मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कूदता फांदता रहता, बस उसको एनर्जी चाहिए, जिस ऑर्बिट में वो बैठा है ना उस ऑर्बिट के पास जितनी एनर्जी है, उस ऑर्बिट के पास अगर उतनी एनर्जी तुमने दे दी तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, आगे आएगा इलेक्ट्रॉन जो है कैसे जंप करता है, कैसे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट कूदता है। व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ते टाइम पर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये गैस आयोनाइज होगी, कुल मिलाकर गैस आयोनाइज हुई, और गैस आयोनाइज हुई बेटा तो थॉमसन बहुत चालाक थे, उन्होंने क्या किया, यहां पर एक फ्लोरसेंट मटेरियल यूज किया। क्या यूज किया? फ्लोरसेंट मटेरियल। क्या आप सभी लोग फ्लोरसेंट मटेरियल जानते हैं क्या होता है? फ्लोरसेंट मटेरियल बेटा वो मटेरियल होते हैं, जिंक सल्फाइड, फ्लोरसेंट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिस पे लाइट पड़ती है, जिस पे कोई रे आकर टकराती है, जिस पे कोई पार्टिकल आकर टकराता है जो कि एनर्जी कैरियर होता है, तो फिर वो सरफेस ग्लो करने लगता है, देन दैट सरफेस स्टार्ट्स ग्लोइंग। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि यहां पर रखा क्या, जिंक सल्फाइड की एक लेयर ले, और इस एनोड को उन्होंने बना दिया क्या, परफोरेटेड एनोड। बात सुनना, कैसा एनोड, परफोरेटेड। परफोरेटेड एनोड का मतलब समझो, ये है तुम्हारा परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड का मतलब होता है एक ऐसा एनोड जिसमें हल्के हल्के परफोरेटेड एनोड, जिसमें छोटे छोटे क्या हों, छेद हों, उसको हम बोलते हैं परफोरेटेड एनोड, ये है परफोरेटेड एनोड। अब देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव टर्मिनल हमेशा लोअर पोटेंशियल होता है, तो ये लोअर पोटेंशियल था, ये हायर पोटेंशियल था, चीजें हमेशा लोअर टू हायर जाती है, फिर हायर से लोअर जाती है, हायर से लोअर जाती है, लेकिन हायर पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल को की तरफ खींचता है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉड ने इस वाले इलेक्ट्रॉड को अपनी तरफ खींचा, तो एक्चुअली ये वाला जो इलेक्ट्रॉड था वो पॉजिटिवली चार्ज था, और पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉड के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचा। बात सुनना, पॉजिटिव चार्ज एनोड ने नेगेटिव चार्ज कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, तब हम ये नहीं जानते थे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन चूंकि ये हायर पोटेंशियल पे था, ये लोअर पोटेंशियल पे था, तो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में पोटेंशियल गैप, तो हायर पोटेंशियल ने पकड़ के लोअर पोटेंशियल की चीजों को अपनी तरफ खींचा। तो जब लोअर पोटेंशियल की चीजों को अपनी तरफ खींचा तो एक्चुअली एक रे निकली, वो इट वॉज अ काइंड ऑफ रे। जब ये रे आकर के इससे टकरा रही थी तो यहां पर क्या हो रहा था, चमक रहा था ये, मतलब वो समझ गया कि कुछ तो ऐसा है जो कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है। कौन समझ गया? जे.जे. थॉमसन साहब समझ गए कि कुछ तो है ऐसा जो एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा, सॉरी कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा, समझे? तो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज आ रही थी, कुछ रेज, और दूसरी चीज ये गैस आयोनाइज हो गई थी, आयोनाइज, आयोनाइज होने की वजह से ही इसमें से करंट पास कर पा रहा था। अब बेटा अगर गैस आयोनाइज हो गई थी तो उस गैस में भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन तो निकल ही रहा था, साथ में इस गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो भी तो बेटा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, वो भी तो इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, मतलब कैथोड वाले इलेक्ट्रॉन और इस गैस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सब इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे, और एक रे बना ली। तो थॉमसन ने सोचा कि यार ये जो रे बन रही है ये किसी ना किसी पार्टिकल से तो मिलकर बनी ही होगी ना, आखिर कुछ तो ऐसे पार्टिकल होंगे जिनसे ये रे मिलकर बनी होगी, मतलब बिना पार्टिकल के रे कैसे हो सकती है, देयर मस्ट बी सम पार्टिकल, कुछ तो पार्टिकल होंगे जिनसे ये रे बनी होगी। तो ऐसा सोचते उन्होंने सोचा कि उनको पता लगाया जाए कि किन पार्टिकल से मिलकर ये रे बनी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया,
फॉर दैट उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसा करें कि कोई फील्ड क्रिएट कराए, क्या कराए, क्रिएट कराए फील्ड, मतलब मान लो मैंने यहां रख दिया पॉजिटिव फील्ड, पॉजिटिव फील्ड, वो जानना चाहते थे ना कि कैसा है, तो उन्होंने ये पूरी पॉजिटिव फील्ड कर दी थी नीचे वाली। उन्होंने सोचा कि देखो अगर पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर अट्रैक्ट होने लगेगी, और अगर पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होगा तो पार्टिकल्स की जो रे है वो ऊपर भागने लगेगी, रिपल्स होने लगेगी, और अगर उनके पास कोई चार्ज नहीं है तो वो सीधे चले जाएंगे, बात खत्म। कितना सिंपल है ना पता लगाना कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है ना। बस वही किया उन्होंने, एक मैग्नेटिक फील्ड रखी पॉजिटिवली चार्ज, और इस पॉजिटिवली चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को जब यहां रखा तो उन्होंने देखा कि जो रेस थे वो सब के साथ नीचे आकर कैसे अट्रैक्ट हो रहे थे। यहां से वो समझ गया कि ये जो रे है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की मदद से मिलकर के बनी। तो पहली चीज तो उन्होंने ये समझ लिया था कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की मदद से मिलकर के बना हुआ है ये रे। तो पहला बात तो क्लियर हो गया था कि ये जो पार्टिकल्स है वो नेगेटिव चार्ज है। दूसरी बात, उनको ये जानना था कि क्या पार्टिकल्स जो आ रहे हैं उनके पास मास भी है। यू वॉन्ट टू नो दैट कि वेदर दीज पार्टिकल्स कैरीज मास और नॉट। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके रास्ते में फील्ड हटा दी तो रे अपने आप ही सीधी चलने लगी, और इसके रास्ते में एक व्हील रखा, एक व्हील ऐसा करके एक व्हील रखा, और ये व्हील कैसा था, इसका व्हील का जो फ्रिक्शन था ना बहुत कम था, बहुत कम, मतलब हल्की सी हवा चलेगी तो घूमने लगेगा, क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो उन्होंने जब रास्ते में रखा तो देखा कि ये व्हील, जब ये रे इससे आकर टकरा रहे थे व्हील से, तो व्हील घूमने लगा। तो इतना तो थॉमसन के पास दिमाग था कि उन्होंने सोचा कि अगर वो घूमने लगा इसका मतलब कि इन रेज के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने इस पे क्या लगाया, फोर्स। और हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मतलब कोई बॉडी अगर फोर्स लगा रही है तो उसके पास डेफिनेटली मास होगा, अगर मास जीरो हो गया तो फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब फोर्स सिर्फ वही बॉडीज लगा सकती हैं जिनके पास मास। तो फोर्स लगा रहा था क्योंकि हिल रहा था, क्योंकि घूम रहा था, इट मींस दैट इट कैरीज मास। तो दो चीजें उन्होंने कंक्लूड की, पहली चीज की कि दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये पार्टिकल्स हैं नेगेटिवली चार्ज। और दूसरा कंक्लूड किया इट कैरीज मास, ये मास कैरी करते। तीसरी चीज उन्होंने इन रे को नाम दिया, दीज रेज वे आर कॉल्ड कैथोड रेज, इसको नाम दिया था उन्होंने कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी ना, क्योंकि ये रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी, इसीलिए उसको नाम दिया उन्होंने कैथोड रेज। और मैंने तुमको बता दिया कि अगर फील्ड रखेंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर कोई फील्ड नहीं रखेगा तो सीधा जाएगा ना, ये सब प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज की, दैट वेयर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। तो फाइनली उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज थे इसीलिए नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वर्ड इलेक्ट्रॉन वर्ड से है, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है नेगेटिव, समझे, तो वहां से वर्ड आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर इलेक्ट्रॉन के आने के बाद से समस्या ये हुई कि भाई एक ठो इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मास और कितना चार्ज है, कितना मास कितना चार्ज, ये समझ में आया क्या? क्या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? अगर लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे है ना, आपको दिक्कत होने लगती है, ज्यादा लंबा देखते देखते बच्चों को नींद आ जाती है, सो जाते हैं। हाँ तो क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे हाँ थॉमसन ने, जे थॉमसन ने
फिर अपना मॉडल दिया, मॉडल जे थॉमसन मॉडल, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद से अपना मॉडल लिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी उसके बाद से मॉडल लिया था, प्रोटॉन की भी डिस्कवरी होगी। उन्होंने कहा कि ये एक एटम है और इस एटम में ये स्फीयर जो है पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज है और इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए। उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उन्होंने बता दिया कि इस तरह एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जा सकता है। इसको कहा गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल, क्या बोला गया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है। एक और नाम दे सकते हैं, दिया जाता है वाटरमेलन मॉडल, तरबूज का मॉडल, समझ गए। ये था थॉमसन का मॉडल। एक और चीज इसमें हम आपको बता दें कि जे.जे. थॉमसन ने एक और चीज कैलकुलेट कर ली थी, क्या कैलकुलेट कर लिया था, चार्ज बाई मास रेशियो। ही कैलकुलेटेड द चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट कर लिए थे, क्या था चार्ज बाय मास रेशियो, 1.7588 × 10⁻¹⁰ कूलम पर केजी, ये चार्ज बाय मास रेशियो। उन्होंने कहा कि अगर आप चार्ज पता लगा लो तो आप मास निकाल लोगे, अगर आप चार्ज पता लगा लो इलेक्ट्रॉन का तो आप एग्जैक्ट मास पर पहुंच जाओगे। उन्होंने चार्ज बाय मास रेशियो निकालकर दे दिया था, ठीक है। कैसे निकाला था, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, वो हमारे टॉपिक के बाहर है। एक तो ऐसे ही सिलेबस से काट दिया गया है ऊपर से, वो तो पहले से ही बाहर। चार्ज बाय मास रेशियो इज इक्वल टू 1.7588 × 10⁻¹⁰ कूलम पर केजी, ये थॉमसन ने दिया, थॉमसन का ये मॉडल था। प्रोटॉन की डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, आपका होमवर्क आप खुद से करेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन मतलब खुद से क्या समझ में आ जाओ, ठीक नहीं समझ में आज वीडियो बना नहीं करेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और रदरफोर्ड एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, रदरफोर्ड के बारे में सारी कहानी, न्यूक्लियस न्यूक्लियस की डिस्कवरी, और उसके बाद फिर तीसरे वीडियो से स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट विच इज कॉल्ड नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताते हैं कि आप अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई जरूर करें बेटा, बिना पढ़ाई के इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, समझ रहे बात। तो आप अपना टाइम लॉस ना करें, पढ़ाई करते रहें, कमेंट्स करते रहें, बताते रहें कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं, बेहतर है बेस्ट है, जो भी है प्लीज अपना अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जरूर बताया करें कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहो, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, खूब आगे जाओ। थैंक यू।